काम पे मेरे को मालूम पड़ा कि मैं जाता था और बुखार होता था मेरे को, खांसी मेरी ख़त्म नहीं हो रही थी। यहाँ टेस्ट कराया तो फिर इस वजह से जो मेरे को मालूम पड़ा कि यार मेरे को टीबी हो गई है। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे को इंजेक्शन पहली दफ़ा जब लगा तो मेरी जान निकल गई, तो मतलब यार ये क्या हो रहा। जी मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, नवीद का मैं वालिद हूँ। दो बच्चियों को मेरी पहले हुई थी ये टीबी की बीमारी। मेरी बेटी राहिला की तबीयत ख़राब हुई, कुछ खांसी वगैरह हुई, फिर दूसरी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, वो छोटी मेरी बच्ची थी नबीला को हो गई। इत्तेफाक से फिर वो मेरा दामाद लेके आ रहा था शाकिर, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो गिरने लगी, ऐसे ढलकने लगी। उसने मेरी बेटी को फ़ोन किया, अपनी वाइफ को, कि ऐसे ऐसे मामला है, नबीला की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको कैसे करें, आप फ़ौरन जल्दी आओ रक्से में बैठ के। मेरी बच्ची वहाँ से आई नए पुल से, उसको रक्से में बिठाया, यहाँ लेके आए। और वही दिन वही तारीख वही टाइम डेट हो गए सुबह 6 बजे। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह ताला ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी दी है। एक बच्ची को तो खो के बैठ गई, अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी दे दी। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे और सबकी उम्र दराज करे, अल्लाह सबको शिफा दे। मैं अपने घर में अपने बच्चों की खुशियाँ चाहती हूँ बस। हम मियाँ बीवी दोनों इसका हाथ से हाथ पकड़ के उठाते थे इसको, और दिन ब दिन गिरता ही चला गया। फिर मेरी कंडीशन बहुत डाउन हो गई थी। इस वक्त हम अपने घर की छत पे और इधर मैं खुली फिजा में सांस लेने के लिए आता हूँ। नीचे जैसे एकदम दम सा घुटता है मेरा, इसलिए कि वो मास्क लगाना पड़ता है। ज़रा सी मियाँ अल्लाह ना करे और किसी को लगे। ये नई दवाई इसलिए स्टार्ट करी है कि मेरे ऊपर दवाइयाँ जो है असर नहीं कर रही थी। बेहतरी सर यही है कि अब ये माशाल्लाह पहले तो इससे एक छिटाक वजन नहीं उठता था, अब तो मैंने रात को इसको देखा चल एक बाल्टी पानी की उठा के भर के ऊपर लेके जा रहा था। मैंने ये सबसे बेहतरी ये देखी है इसके अंदर। इतनी खुश हूँ कि अल्लाह ताला भी खुश हो, अल्लाह ताला हमारे साथ साथ कि माशाल्लाह पहले से देख के तो हम बहुत खुश हैं। माशाल्लाह उससे बहुत बेहतरी आई है मेरे अंदर, पता लग रहा है कि यार आस्ते आस्ते मैं सेट हो रहा हूँ।